विगत जिस प्रकार का माहौल सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का बना है, वहां जिस प्रकार छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, उस छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण वहां के प्रिंसिपल द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है, उनके द्वारा जिस प्रकार पक्षपात करते हुए एनएसवाई के जो पदाधिकारी हैं, एनएसवाई के पैनल पे जो लड़े हैं, उनको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्ति देकर केवल मात्र एनएसवाई के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करवाया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके आईडी प्रूफ आज दिन तक उन्होंने नहीं दिए, ऐसे 3000 आईडी प्रूफ उन्होंने अपने पास में दबा करके रख रखे हैं। हमारे द्वारा पिछले चार दिन से विद्यार्थी परिषद द्वारा जब मांग की जा रही है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वो आईडी प्रूफ सौंपे जाए, तो उनके द्वारा कल एक विज्ञप्ति जारी करके इतिश्री कर ली जाती है कि आज शाम तक आईडी प्रूफ दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट बिना आईडी प्रूफ वोटिंग नहीं कर सकता। उन मतदाताओं को, उन स्टूडेंट्स को हैरान परेशान करने के लिए और उन आईडी प्रूफ के जरिए फर्जी मतदान कराने का षड्यंत्र राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रचा जा रहा है। जिस प्रकार उनके द्वारा चार साल पहले भी इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया था, एक एलिजिबल कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया था, उसके कारण से खूब हंगामा हुआ। हम विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र नेता जो कभी न कभी उस कॉलेज से जुड़े रहे हैं, वहां पदाधिकारी रहे हैं, वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनकर आते रहे हैं, उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय को कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाए और उन आईडी प्रूफ को जब्त किया जाए जिन कॉलेज लेक्चरर्स को कॉलेज से हटा करके बाहर भेज दिया है, उनको बुलाया जाए और प्रशासन वहां की चुनाव व्यवस्था अपने हाथ में ले, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो सके, वहां पर चुनाव हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, पारदर्शी चुनाव हो सके, ये हमने मांग की है। नहीं तो अगर इस प्रकार उनका भेदभावपूर्ण रवैया रहा, एक पार्टी के एजेंट के रूप में जिस प्रकार कांग्रेस के उच्च शिक्षा मंत्री एक संदेश दे रहे हैं, उन्होंने जो एक ट्वीट किया फेसबुक पे, स्टेटस डाला शिक्षा मंत्री रहते हुए कि एनएसवाई को चिताए, वो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता खत्म करता है और उसी का परिणाम है कि यहाँ का प्रिंसिपल एमएल अग्रवाल वो भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में, एनएसवाई के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और चुनाव को पक्षपातपूर्ण करके प्रभावित कर रहा है।